हाय फ्रेंड्स, कुरलिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। ढाबे पे मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाने वाले हैं। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू कर देते हैं। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, तभी आपके कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लौकी। लौकी का ऊपर का जो छिलका है वो छिलका निकाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा हम निकाल देंगे। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो इसे न निकालें। अब हमें लौकी को कद्दूकस करके लेना है। यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया है। ग्रेटर की सहायता से हमें लौकी को अच्छे से कद्दूकस करके लेना है। यहाँ पर मैंने लौकी का जो ऊपर का हिस्सा था वही कद्दूकस करके लिया है। जो बीच में का था उसे मैंने निकाल दिया है। इसी तरह से हम सारा लौकी जो है वो कद्दूकस करके ले लेंगे। अब इसी में हम आधा चम्मच जितना नमक डालकर इसे अच्छे से मिलाकर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं लौकी में पानी जो है वो और भी बढ़ चुका है। ये सारा पानी हमें निकाल देना है। देखिए, ऐसे अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर पानी जो है निकाल देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे ही मेरी नई रेसिपी देख सकें। देखिए, ये जो बचा हुआ पानी है वो हम ग्रेवी में डालेंगे। इसे बिल्कुल भी फेंके ना। अब इसी में हम डाल देंगे हरा धनिया, एक चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी का पाउडर डाल देंगे, एक चुटकी जितना हींग और 3 चम्मच जितना चने का आटा डाल देना है, यानी कि बेसन बाइंडिंग के लिए। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिला देना है। अगर आपका बैटर गीला गीला बना है तो एक और चम्मच बेसन डाल दें। अब हम क्या करेंगे, बॉल्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई कर देंगे। यहाँ पर तेल जो है वो भी गर्म हो चुका है। एक एक कर बॉल्स डाल देंगे हम। देखिए, इसे फोक के सहायता से पलटिए से। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रख देना है, नहीं तो अंदर से कोफ्ते जो है वो कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को तल के ले लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल दिया है, आधा चम्मच जितना जीरा, 1 बड़ा चम्मच जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट, 4 काली मिर्च और दालचीनी भी डाल देंगे हम। ये है तेज पत्ता, कसूरी मेथी। इन सभी को हमें तेल में फ्राई करके लेना है। हल्के से फ्राई होने के बाद आधा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच जितना धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे हम, 1 चुटकी जितना हींग और ये है बेसन, 1 चम्मच जितना ही डाल देना है ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छे से बन जाए। इन सभी को हमें मिला देना है। बेसन जो है वो अब हमारा पक गया है। इसी में हम डाल देंगे 1 टमाटर बारीक कटी हुई। टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए, तब तक हमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर तेल जो है वो तेल छोड़ रही है टमाटर, यानी कि अब ये अच्छे से पक गया है। अब इसी में हम डाल देंगे फेटी हुई दही 1/2 कटोरी जितना। ध्यान रखिएगा कि दही यहाँ पर फ्रेश ही होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ग्रेवी जो है वो खट्टी बन जाएगी। गैस का फ्लेम जो है वो लो रखना है, या फिर आप बंद किया तो भी चलेगा। अब उसी में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी डाल दिया है मैंने। सब्जी में जब उबाल आ जाएगा तब हमें पनीर लेना है। यहाँ पर मैंने 20 ग्राम जितना पनीर लिया है। मिक्सिंग जार में डालकर पीस लेना है। जो हमने पानी रखा था लौकी का वो भी पानी हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में। देखिए, अब इसे हम पीस लिया है। ये जो पीसा हुआ जो पनीर है उसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। इसे भी हमें अच्छे से मिला देना है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब सब्जी जो है वो उबल रही है, इसे एक बार ऐसे चलाकर ढक्कन लगाकर रख देंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। ये जो तेल है, आप ऊपर का वो तेल भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए ग्रेवी में तेल ज़्यादा। ये जो कोफ्ते हैं वो कोफ्ते भी हमने डाल दिया है। कोफ्ते को ग्रेवी में अच्छे से मिला दें। इसी में हम नमक और थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे ताकि सब्जी जो है वो खट्टी ना लगे। अब इसी के ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया, कद्दूकस करके चीज़ डाल दें ऊपर से, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।